प्रोसेसर से वो कमांड लेके मॉनिटर पे अपन को आउटपुट दे दे रहे। तो आउटपुट क्या होता है, इसे प्रोसेसर कमांड देता है, और इनपुट क्या होता है, जैसे यूजर कमांड देता है। प्रोसेसर इसे कमांड देगा तभी वो आपको मॉनिटर पे देखने को मिलेगा आंसर, और जब अपन यूजर इसको कमांड देंगे तभी तो अपन को आउटपुट देखने को मिलेगा। इनपुट क्या होता है, जिसे यूजर कमांड देता है, और आउटपुट क्या होता है, इसे प्रोसेसर कमांड देता है। ये प्रोसेसर से प्रोसेस डेटा लेता है और फिर यूजर को देता है। ये अभी हमने आपको बताया, पूरी प्रोसेस करने के बाद ये प्रोसेसर से डेटा ले लेता है और अपन यूजर को आउटपुट के रूप में दे देता है। और ये क्या करता है, ये यूजर से डेटा लेता है और उसे प्रोसेसर को भेजता है। मतलब अपन जो भी इसको डेटा देते हैं यूजर, वो अपन से इनपुट लेने के बाद प्रोसेसर को भेजता है उसकी पूरी प्रोसेस करने के लिए। फिर इसका डिजाइन कम कॉम्प्लेक्स का होता है और इसका डिजाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का होता है। मतलब इसमें जो भी वर्क होता है वो कम कॉम्प्लेक्स में हो जाता है, ज़्यादा जटिल नहीं रहता। और इसका जो रहता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का रहता है, मतलब थोड़ा सा जटिल टाइप का रहता है। और ये मशीन के इंटरेक्शन को यूजर के द्वारा समझने वाले इंटरेक्शन में बदलता है, और ये यूजर के द्वारा दिए गए इंटरेक्शन को मशीन इंटरेक्शन में बदलता है। इनपुट डिवाइस क्या करता है, जैसे अपन बात कर रहे हैं, अपन इसको कुछ भी इनपुट देते हैं तो वो कौन दे रहा है, यूजर। अपन ने इसको इंटरेक्शन दिया, जैसे आपने तो एक ईमेल ले ली, यहाँ अपन बात कर रहे हैं, आप कोई भी फाइल वगैरह तैयार कर रहे हैं, आपने एमएस वर्ड लिया, आपने एमएस वर्ड आप सबने पढ़ा है, उसमें आप एक फॉर्मूला टाइप करते हैं। जैसे ही आप फॉर्मूला लगाते हैं आपको पैराग्राफ देखने को मिल जाते हैं, मिलता है। अब वो पैराग्राफ कौन टाइप कर रहा है, अपन यूजर टाइप कर रहे हैं। अपन यूजर उसको इंटरेक्शन दे रहे हैं, वो क्या करता है, उसको मशीन के इंटरेक्शन में बदल देता है। जैसे ही अपन एंटर करते हैं अपन को पैराग्राफ देखने को मिल जाता है, और ये क्या करता है, मशीन के इंटरेक्शन को यूजर के द्वारा समझने वाला इंटरेक्शन में बदल देता है। मशीन जो भी उसकी प्रोसेस करती है उससे आउटपुट जो अपन को देता है वो अपन को पैराग्राफ के रूप में दे देता है, जिससे अपन उस यूजर आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो ये आपकी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनमें से आपके सामने दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं एक भी, और वो क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी हो सकता है। हमने आपको बताया, या तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है, या इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को समझाइए, या किसी तीन इनपुट डिवाइस तीन आउटपुट डिवाइस को समझाइए, या इनके नाम लिखे हुए आ सकते हैं कि आप उसके ऊपर कोई टिप्पणी लिखिए या उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो क्वेश्चन में, मतलब पेपर में आपके सामने क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है।